पर गौशाला में आप खड़े हैं और आज यहाँ पर अखंड रामचरितमानस का पाठ भी शुरू हो चुका है, आज आप यहाँ आए हैं दर्शन करने, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, प्राकृतिक लग रहा है, अच्छा लग रहा है जी। और जो गौ सेवा हो रही है इसकी तो कोई कहने ही नहीं था, और आज की इनकी महत्ता है और जरूरी भी है कि इनकी गौ सेवा की जाए, और जो कार्यक्रम किया जा रहा है और बड़े अच्छे उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, और इसमें हम लोग इसमें सहायता कर रहे हैं और सब लोग बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ एक साल तक चलेगा ये पाठ जी, एक साल तक चलेगा जी, एक साल तक चलेगा पाठ, बहुत बड़ी बात है साहब, इतनी बड़ी बात है कि एक साल तक काम करना एक अच्छा काम है, बढ़िया काम है और ये देश की सेवा में काम आएगा। हाँ, और आगे चल के गौ माता के लिए क्या कहना चाहोगे? गौ माता की सेवा हो रही है, अच्छी हो रही है, ठीक हो रही है, हाँ इनकी सेवा जरूरी है। हाँ। सर आपसे जानना चाहूंगी, मैं जब से यहाँ पे आई हूँ लगातार आपको यहाँ पे सेवा करते हुए देख रही हूँ, क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे जितने भी देवी देवता है वो सब गाय के अंदर विराजमान है और इसकी सेवा कर ली है, मान लो 33.5 करोड़ जो देवी देवता है सबकी पूजा हो गई, समझे? और आज अक्षय तृतीया है, इस मौके पे मुझे बड़ा सौभाग्य है कि मुझे गायों की सेवा करने का मौका मिला जी। तो ये जो पाठ यहाँ पर चल रहा है अखंड रामायण रामचरितमानस का, ये एक साल तक चलेगा, तो क्या लगता है कितने लोग और आ सकते हैं, या आप रेगुलर आएंगे या फिर आज इसकी शुरुआत थी इसलिए आप? नहीं नहीं, हम लोग तो रेगुलर जुड़े हुए हैं गौशाला से, और हमारी हिंदू लोगों की आस्था है गौ माता में, तो इसलिए सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे, सभी आएंगे और हम लोग तो डेली कोशिश करेंगे, जितना भी योगदान होगा, जितना गौ माता का होगा ले लेगी हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप देखते रहिए अखंड भारत टीवी, धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।